बच्चों आज गुड मॉर्निंग। आज हम कक्षा 9 गणित में अभ्यास 6 की कौन सी अभ्यास कर रहे हैं, अभ्यास 6 कर रहे हैं और 6.1 हम पहले कर चुके हैं, आज हम करेंगे 6.2। इस अभ्यास में हमने इससे पहले क्या पढ़ा कि रेखा क्या होती है और कोण क्या होते हैं और कोणों के प्रकारों के बारे में भी जाना। इससे पहले वाली वीडियो में हम ये सब पढ़ चुके हैं। आज हम करेंगे 6.2 का पहला प्रश्न। देखिए पहला प्रश्न क्या है कि आकृति में ये चित्र दे रखा है, प्रश्न में ही ये चित्र है कि आकृति में x और y के हमें क्या करने हैं, x और y के मान ज्ञात करने हैं और बताना है कि AB समांतर है किसके, CD के। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, देखो जो हमारे पास हमें किसका मान निकालना है, x और y का, जो ये AB रेखा है इस पे, AB पे जो ये तिरछी रेखा पड़ी हुई है ये क्या कर रही है, एक रेखीय युग्म बना रही है। क्या कर रही है, रेखीय युग्म बना रही है। तो हम क्या लिखेंगे, 50 प्लस 50 डिग्री प्लस x बराबर 180 डिग्री। क्यों हो गया, क्योंकि क्या है ये, रेखीय युग्म हो गया, रेखीय युग्म बन रहा है यहाँ पे। और रेखीय युग्म क्या होता है, जहाँ पर क्या होता है, एक ही रेखा के दोनों ओर जो कोण बनते हैं, इस प्रकार से एक सीधी रेखा है अगर उसके दोनों ओर कोण बने हुए, जैसे ये रेखा हमारी ऐसे निकल रही है, इस टाइप से निकल गई समझो, और ये वाला कोण और ये वाला कोण, यानी ये रेखा एक रेखा है, जैसे ये हो गई A, ये हो गई B, इससे ये रेखा क्रॉस कर रही है और क्रॉस करने पर एक ही इस रेखा के दोनों ओर जो कोण बनते हैं वो रेखीय युग्म के कोण कहलाते हैं। और इनका मान कितना होता है, इनका मान होता है 180 डिग्री, यानी दोनों का योग 180 डिग्री होता है। इसलिए हम ले लेंगे कि 50 प्लस x बराबर 180 डिग्री, क्या हो गई, ये रेखीय युग्म के कोण, रेखीय युग्म के कोण है ये। ठीक है, ये हमने लिख लिया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे x का मान निकालना है, तो x बराबर हो जाएगा 180 डिग्री और 50 दाहिनी ओर जाके किसका हो जाएगा, माइनस का 50 डिग्री, तो x बराबर हो जाएगा 130 डिग्री। ठीक है, हमें पहले किसका मान चाहिए था, x का मान, सबसे पहले x है तो हमने x का मान निकाल लिया। अब हमें मान निकालना है y का। अब y का मान कैसे निकालेंगे हम, क्योंकि x का मान कितना है, 130 है, तो यहाँ पे भी कितना दे रखा है, 130 दे रखा है, और हमें क्या निकालना है, y का मान निकालना है। तो यहाँ पर ये दोनों रेखाएं इस प्रकार से हो रही हैं और जब इस प्रकार से क्रॉस करती हैं दो रेखाएं तो वो कहलाते हैं हमारे पास शीर्षाभिमुख कोण हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, शीर्षाभिमुख कोण, जो x और y है ये दोनों किस टाइप से बनेंगे, शीर्षाभिमुख कोण बनेंगे। तो हम क्या लिख लेंगे, x बराबर क्या हो जाएगा, y के हो जाएगा, और ये कैसे कोण होगा हमारे पास, शीर्षाभिमुख कोण। कैसे कोण है ये, शीर्षाभिमुख कोण कहेंगे हम इनको। ये किस टाइप के कोण हैं, x और y दोनों रेखा के क्या हैं, क्रॉस कर रहे हैं, एक इधर को है एक इधर को है, यानी एक यहाँ आ गया और एक यहाँ आ गया, तो क्रॉस करने पर जो दोनों कोण होते हैं ये बनते हैं शीर्षाभिमुख कोण। और इन दोनों कोणों का मान क्या होता है, हमेशा बराबर होता है, क्योंकि x का मान कितना है, 130 डिग्री है, तो इसलिए y का मान भी हमारे पास कितना आ गया, 130 डिग्री आ गया। ठीक है, हमें ये इस प्रश्न में x और y के ही मान ज्ञात करने थे। बच्चों अब हम करेंगे इसका प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 में क्या है कि आकृति में यदि PQ समांतर है किसके, ST के। PQ क्या है, ST के समांतर है और कोण PQR कितना दे रखा है, 110 डिग्री, और क्या दे रखा है हमारे पास, RST ये कितना है, 130 डिग्री है। तो हमें कोण QRS का मान निकालना है। ठीक है, इसके लिए क्या करेंगे हम कि ST के एक समांतर रेखा खींच लेंगे इस प्रकार से, ST को क्या करेंगे हम, आगे बढ़ा लेंगे, जो कि क्या है, PQ के समांतर रेखा है। ठीक है, किसको बढ़ा लेंगे हम, इसको बढ़ाएंगे, PQ को
क्या करेंगे, आगे को बढ़ा लेंगे, तो ये यहाँ पर आर एस पे कहाँ पे मिलेगा, एम पे मिलेगा। ठीक है, क्या किया हमने, पी क्यू, पी क्यू को क्या किया, आगे को बढ़ाया, और आगे बढ़ाने पर ये कहाँ मिल गया, एस आर पे, बिंदु एम पे मिल गया। जब ये बिंदु एम पे मिला है तो यहाँ क्या बनेगा, इस प्रकार से जेड बनेगा। कैसे बनेगा जेड, ये आ जाएगा ऐसे में, ये आएगा यहाँ पे टी, ये आ गया हमारे पास एस, ठीक है, फिर ये आ गया और ये बन गया इस प्रकार से। तो जो ये एम होगा इसका मान किसके बराबर होगा, एस के बराबर होगा। यानी एस कितना है, 130 डिग्री है। अगर एस हमारे पास 130 डिग्री है तो एम का मान भी 130 डिग्री होगा। ठीक है, तो हम क्या लिख लेंगे इसमें, हमने क्या किया, पी क्यू को आगे बढ़ाया, कहाँ तक बढ़ाया, एम बिंदु तक बढ़ाया, और क्या हो गया इसमें, कोण टी एस एम ये बराबर किसके हो जाएगा, देखो कोण टी एस एम ये बराबर किसके हो जाएगा, कोण एस एम क्यू के, इस चित्र के। इसको हमने ऐसे बना लिया तो ये दोनों कोण क्या बन रहे हैं, एकांतर कोण बन रहे हैं, और एकांतर कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो टी एस एम ये बराबर हो जाएगा कोण किसके, एस एम क्यू के। ठीक है, अब टी एस एम का मान कितना है, 130 डिग्री। तो टी एस एम का मान है हमारा 130 डिग्री, तो इसलिए एस एम क्यू का मान कितना आ गया हमारे पास, 130 डिग्री आ गया। ये कैसे कोण थे, एकांतर कोण। एकांतर कोण कहाँ बनते हैं, जहाँ पर जेड की सेप बनती है हमारे पास, वहाँ बनते हैं एकांतर कोण। यानी एक कोण इधर हो गया और एक कोण इधर हो गया। ठीक है, तो अब हमें किसका मान मिल गया, एस एम क्यू, यानी कोण एस एम क्यू, इसका मान हमको मिल गया। इसका मान कितना मिला है हमको, 130 डिग्री। ठीक है, अब हमारे पास क्या है, देखो ये एक रेखीय युग्म बन रहा है, SR पर जो कोण M बना हुआ है ये भी क्या है, एक रेखीय युग्म है। अब रेखीय युग्मों का मतलब ये समझो आप ऐसा है, ये हो गया हमारे पास S, ये हो गया हमारे पास R, और यहाँ पर कोण बन गया हमारे पास इस प्रकार से, ऐसे ये क्या बन गया हमारे पास, कोण यहाँ पे M आ गया है। तो यानी ये दोनों जो कोण बनेंगे, ये दोनों कोण क्या होंगे, रेखीय युग्म के कोण होंगे। इसका मान कितना है, 130 डिग्री है अगर, तो हमारे पास कोण कौन सा, क्यू एम आर। अगर हम इस कोण को निकालेंगे तो ये कोण क्या होगा, 180 में से 130 को घटाने पर हमको प्राप्त हो जाएगा। तो अब हम क्या निकालेंगे इसमें, कोण कौन सा निकालेंगे हम, क्यू एम आर, क्यू एम आर ये बराबर क्या होगा, 180 डिग्री माइनस 130 डिग्री, क्योंकि ये कैसे कोण है, ये भी रेखिक युग्म के कोण। कैसे कोण होगा, ये रेखिक युग्म के कोण होगा। यहाँ पे क्या बन रहा है, ये रेखिक युग्म बन रहा है, तो ये जो कोण है ये क्या है, रेखिक युग्म के कोण है। तो इसका मान आ गया हमारे पास 50 डिग्री। ठीक है, अब इसी प्रकार से हमें कौन सा कोण निकालना है, एम क्यू आर, ये भी क्या है, एक रेखीय युग्म बन रहा है यहाँ पे भी, तो इसको भी क्या करेंगे हम, 180 डिग्री से माइनस कर देंगे। अब निकालेंगे हम कोण कौन सा, एम क्यू आर, ठीक है, ये भी क्या होगा, 180 डिग्री में से 110 डिग्री को हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। देखो अगर हम इस प्रकार से इसी को देखें, केवल पी क्यू एम वाली लाइन को देखें, और जो क्यू आर यानी क्यू जो कोण बन रहा है वो कितना, 110, तो पी एम रेखा पर क्या है, ये एक रेखीय युग्म है, तो कोण एम क्यू आर जो होगा 180 में से घटाने पे हमें इसका मान मिल जाएगा। तो ये कितना आएगा हमारे पास, 70 डिग्री। ठीक है, अब जो ये कोण था इसका मान कितना आया हमारे पास, 50 डिग्री, और इसका मान कितना आया, 70 डिग्री। ठीक है, दो कोण मिल चुके हैं और मान किसका पूछ रहा है, क्यू आर एम का। अब क्या हो गया, किसमें ले लेंगे हम त्रिभुज, किसमें ले लेंगे, क्यू एम आर में। अब जब त्रिभुज के दो कोण दिए हुए तो होते हैं तो तीसरा कोण आसानी से निकल जाएगा, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है,
180 डिग्री होता है। तो अब हम क्या निकाल लेंगे, इसमें से कोण क्या निकालना है हमको, क्यू आर एम, कौन सा कोण निकालना है, क्यू आर एम। ये क्या होगा, 180 डिग्री माइनस ये दोनों कोणों का योग कितना है, 70 डिग्री प्लस 50 डिग्री, दोनों कोणों को जोड़ देंगे और जोड़ करके 180 से घटा देंगे तो हमें त्रिभुज का तीसरा कोण प्राप्त हो जाएगा। तो घटाएंगे तो कितना, ये कितना आया, 180 डिग्री, 70 में 50 जोड़ा 120 डिग्री, तो यानी इसका मान आ गया 60 डिग्री। तो कोण कौन सा, क्यू आर एम, और क्यू आर एम का मान हमें पूछ रहा था, उसका मान कितना आया है, 70 डिग्री। ठीक है बच्चों, अब हम करेंगे प्रश्न नंबर 5, और यह प्रश्न इम्पोर्टेंट है, परीक्षा में पूछ लिया जाता है। ठीक है, अब इस प्रश्न में देखो क्या कह रहा है कि आकृति में ए बी समांतर हो गया सी डी के, ए बी क्या है, सी डी के समांतर है, कोण ए पी क्यू कितना है, 50 डिग्री, और कोण पी पी आर डी इसका मान कितना है, 127 डिग्री। तो हमें एक्स और वाई के मान निकालने हैं। देखो समांतर रेखा तो आपको पता है, समांतर रेखा क्या होती है ये आपको बता चुके हैं, जिन दो रेखाओं के बीच समान अंतर होता है, यानी जिनके बीच की दूरी बराबर होती है और जो आपस में कभी भी नहीं मिलती हैं, अगर उन्हें हम कहीं भी बढ़ाएं तो वो रेखाएं कभी भी आपस में नहीं मिलती हैं, ऐसी रेखाओं को हम समांतर रेखाएं कहते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या है, जो ये कोण है इस प्रकार से ये ऐसे बन रहा है, कौन सा ये बन रहा है यहाँ पे ए पी, और ये हो गया हमारे पास क्यू, और यहाँ आ गया माना हमारे पास, ये आ गया हमारे पास आर। तो ए पी क्यू और पी क्यू आर दोनों कैसे कोण हैं, एकांतर कोण हैं। अब जब ए पी क्यू का मान 50 डिग्री है तो इसका मतलब एक्स का मान भी कितना होगा, 50 डिग्री होगा। तो हम क्या लिख लेंगे यहाँ पे, कोण ए पी क्यू बराबर कितना है, 50 डिग्री है, इसलिए एक्स बराबर भी कितना होगा हमारे पास, 50 डिग्री होगा। ये चित्र से हमने देख लिया, यहाँ पर क्या बन रहा है, जेड की सेप बन रही है, और ये कोण जो होते हैं एकांतर कोण कहलाते हैं, और यहाँ लिख लेंगे हम एकांतर कोण। ठीक है, किस प्रकार का कोण बन गया ये, एकांतर कोण, यानी कि कोण ए पी क्यू बराबर 50 डिग्री है, और ये बराबर किसके होगा, अगर हम नाम लिखेंगे तो पी क्यू आर के, यानी कि ए पी क्यू बराबर पी क्यू आर के, और दोनों कैसे कोण है, एकांतर कोण है। ए पी क्यू जब 50 डिग्री है तो पी क्यू आर भी कितना हो गया, 50 डिग्री हो गया। एक आंसर तो हमें ये मिल गया। अब दूसरा पूछ रहा है वो वाई का मान, वाई कहाँ है ये, देखो इस त्रिभुज में पी क्यू आर में, इस त्रिभुज में क्या है कि जो एक्स वाई है ये तो क्या है, त्रिभुज के अंदर के कोण है, लेकिन जो कोण आर दे रखा है हमको पी आर डी, ये क्या है, त्रिभुज से बाहर का कोण है, यानी ये बहिष्कोण है। इसको हम कैसे कर सकते हैं कि त्रिभुज के जो अंतःकोण होते हैं, त्रिभुज के दो अंतःकोणों का योग उसके बहिष्कोण के योग के बराबर होता है। तो हम लिख लेंगे x प्लस वाई बराबर 127 डिग्री। x और y कैसे कोण है, अंतःकोण है, और 127 कैसा कोण है, बही कोण या बहिष्कोण है, यानी कि बाहर का कोण है, त्रिभुज से बाहर बना हुआ है। अब यहाँ पे x का मान रख लेंगे, x का मान कितना है, 50 डिग्री प्लस क्या हो गया, y बराबर 127 डिग्री। ठीक है, तो y का मान निकालना है, कितना हो जाएगा, 127 डिग्री माइनस का 50 डिग्री, तो कितना आ गया ये, y बराबर 77 डिग्री। ठीक है, यहाँ क्या लिख लेंगे हम कि दो अंतःकोणों का योग, दो अंतःकोणों का योग बहिष्कोण के बराबर होता है, बहिष्कोण यानी बाहर वाले कोण बहिष्कोण के बराबर होता है, बराबर होता है।
ठीक है, जब हमने ये नियम लगाया तो इस नियम से x प्लस वाई बराबर कितना हो गया, 127 डिग्री हो गया। x का मान रखने पे हमें y का मान प्राप्त हो गया। बच्चों अब हम 6.3 को करेंगे अभ्यास। 6.3 का पहला प्रश्न देखिए, ये क्या है, चित्र बना हुआ है इसका। आकृति में त्रिभुज पी क्यू आर की भुजाओं क्यू पी और आर क्यू, क्यू पी और आर क्यू को क्रमशः बिंदु किससे मिलाया गया है, एस से मिलाया गया है। एस तक कहाँ क्या है, बढ़ाया गया है, किसको, पी क्यू को और आर क्यू को कहाँ तक बढ़ाया गया है, एस तक बढ़ाया गया है। यदि कोण एस पी आर, एस पी आर का मान कितना है 135 डिग्री, और कोण पी क्यू टी, पी क्यू टी का मान कितना है 110 डिग्री, तो हमें पी आर क्यू का मान निकालना है। यानी कि कौन सा कोण निकालना है हमको, ये वाला कोण पी आर क्यू हमको निकालना है। ठीक है, अब इस कोण को निकालने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे हम, देखो जो ये एस यहाँ पे आ रहा है, हमारे पास क्या है, यहाँ पे एस है, यहाँ क्या हो गया, इस प्रकार से ये आ गया, ये हो गया पी और ये हो गया हमारे पास क्यू। ठीक है, जो ये कोण बन रहा है ये कितना है 135 डिग्री का। तो जब हम इस कोण को निकालेंगे, ये क्या हो गया, आर हो गया, यानी ये एक क्या बन गया, रेखिक युग्म के कोण बन गए। तो जब हम कोण कौन सा निकालेंगे, पी, कौन सा कोण निकालेंगे, आर पी क्यू, जब आर पी क्यू निकालेंगे तो इस प्रकार से मिला हुआ है ये। अगर आर पी क्यू निकालेंगे तो 180 में से 135 को घटा देंगे, क्योंकि ये एक क्या है, रेखिक युग्म में है। तो हम क्या लिख लेंगे यहाँ पे, कोण कौन सा निकाल रहे हैं, पहले हम अंदर के लिए आर पी क्यू, तो कोण आर पी क्यू, आर पी क्यू ये क्या है हमारा आंसर है, आर पी क्यू बराबर होगा 180 डिग्री माइनस का 135 डिग्री। क्या करेंगे हम, 180 में से 135 को घटा देंगे तो कितना बचेगा हमारे पास, 45 डिग्री। और कैसे कोण है ये, रेखिक युग्म के कोण, रेखिक युग्म के कोण। ठीक है, यहाँ क्या बन रहा है, एक रेखिक युग्म बन रहा है। अगर हम इस प्रकार से देखें, ऐसे नावी मिलाएं, तो ये क्या है, एक रेखिक युग्म है। और जो कोण हम आर पी क्यू निकालेंगे, ये क्या होगा, 180 में से घटाने पे हमको प्राप्त हो जाएगा। अब देखो आर पी क्यू कितना मिल गया हमको, 45 डिग्री मिल गया। ठीक है, हमें कौन सा कोण निकालना है, आर निकालना है। अब हमें कौन सा कोण चाहिए, ये वाला क्यू कोण चाहिए। और ये भी क्या बन रहा है हमारे पास, एक ये भी क्या है, एक रेखिक युग्म है ये। यानी यहाँ पे क्या आ गया, आर, और यहाँ क्या आ गया, टी, और ये क्या हो गया, क्यू। इस प्रकार से यहाँ पे क्यू का मान कितना है, 110 डिग्री। तो जब हम किसका मान निकालेंगे, ये क्या हो गया हमारे पास, ये क्या है, पी है माना। तो जब हम पी क्यू आर निकालेंगे तो ये भी क्या होगा, एक रेखिक युग्म है, तो ये भी हमको 180 से घटाने पे प्राप्त हो जाएगा। तो अब हम क्या निकालेंगे, कोण पी क्यू आर, पी क्यू आर क्या होगा, 180 डिग्री माइनस कितना हो जाएगा, 110 डिग्री। 180 में से अगर हम 110 घटाते हैं तो कितना मिलेगा हमको, 70 डिग्री। ठीक है, तो ये वाला कोण भी कितना मिल गया हमको, 70 डिग्री मिल गया। अब हमें कोण कौन सा निकालना है, आर वाला, यानी पी आर क्यू। अब किसमें ले लेंगे हम, त्रिभुज किसमें ले लेंगे, पी क्यू आर में। इस त्रिभुज में दो कोण हमें प्राप्त है, तीसरा कोण हमें निकालना है। तो तीसरा कोण क्या होता है, 180 से घटाने पे हमको प्राप्त हो जाएगा। तो हम लिख लेंगे कोण पी आर क्यू बराबर 180 डिग्री माइनस कितना आ जाएगा, 45 डिग्री, प्लस कितना आ जाएगा, 70 डिग्री। तो 180 में से हम जोड़ लें दोनों को तो कितना बनेगा, 115 डिग्री। ठीक है, 115 डिग्री अब घटा लेंगे तो 10 में से 5 या 5, 7 में से 1 या 6। तो जो हमारे पास कोण था पी आर क्यू, उसका मान कितना आया है, 65 डिग्री। ठीक है बच्चों, अब हम करेंगे प्रश्न नंबर 3। और ये प्रश्न भी इम्पोर्टेंट है, ये भी परीक्षा में पूछ लिया जाता है। ठीक है, इस प्रश्न में क्या है कि ये आकृति है, आकृति में ए बी समांतर है किसके, डी के। यानी ये दोनों कैसी रेखाएं हैं,
समांतर रेखा है, ए बी रेखा समांतर है किसके, डी ई के, और कोण बी ए सी यहाँ तक ये कितना है 35 डिग्री, और कोण सी डी ई कितना है 53 डिग्री। तो हमें कोण डी सी ई का मान निकालना है। देखो अब जो कोण है हमारे पास, ये कोण कौन सा है, ए कोण है ये, इसका मान कितना है 35 डिग्री, और ये कोण कौन सा है हमारे पास, ई है, तो ई का मान भी कितना होगा हमारे पास 35 डिग्री ही होगा, क्योंकि कैसे कोण है ये, एकांतर कोण है। तो हम लिख लेंगे यहाँ पे कोण बी, कोण कौन सा, बी ए सी बराबर किसके हो जाएगा, कोण किसके, ए ई डी के, कोण ए ई डी, ये बराबर कैसे कोण है ये, एकांतर कोण, एकांतर कोण, ठीक है। ये दोनों क्या कर रहे हैं, जेड की शेप में बना रहे हैं, तो जितना कोण ए होगा उतना ही कोण ई भी होगा हमारे पास। तो हमारे पास क्या आ गया, इसलिए कोण ए ई डी बराबर हो गया 35 डिग्री, ठीक है। अब यहाँ पे इसका मान मिल गया 35 डिग्री, हमें कौन सा कोण निकालना है, सी वाला यानी डी सी ई। तो अब क्या ले लेंगे हम, त्रिभुज किस में ले लेंगे, डी सी ई में। इस त्रिभुज में तीनों कोणों का योग कितना होगा, 180 होगा। तो क्या करेंगे हम, क्या लिख लेंगे कि कोण डी सी ई बराबर क्या होगा, 180 डिग्री माइनस क्या हो जाएगा 53 डिग्री, और 180 माइनस 53 और प्लस कितना आ जाएगा 35 डिग्री, यानी इन दोनों के योग को अगर हम 180 से घटा देते हैं तो हमें तीसरा कोण प्राप्त हो जाता है, ये हो जाएगा 180 डिग्री माइनस जोड़ लेंगे तो कितना आएगा 88 डिग्री, घटाने पे आएगा 92 डिग्री। तो कोण डी सी ई, डी सी ई का मान पूछ रहा था, ये कितना आया है 92 डिग्री आ गया। बच्चों अब जो इसके शेष सवाल हैं वो सवाल आपको पीडीएफ के माध्यम से मिल जाएंगे, और यहीं पर अभ्यास 6 पूरी खत्म होती है।